नमस्कार, मैं मुस्कान कुमारी, इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जम्मू एंड कश्मीर के अवंतीपुरा व शोपियां जिलों में आतंकियों संग हुई मुठभेड़, 8 आतंकी हुए थे। आज शाम 5 बजे हो चुकी सर्वदलीय बैठक में 20 पार्टी ने लिया हिस्सा। भारत के साथ ट्रेड को लेकर नम्र पड़ सकता है US, GSP का ओहदा वापस लेने पर विचार। सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट किए जाने वाले कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है, इसमें विशेष रूप से चीनी उत्पाद शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर लिखा, चीन के साथ हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिक के प्रति हम गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, इस दुख के घड़ी में हम उनके साथ हैं। कर्ज मुक्त हुआ रिलायंस इंडस्ट्री, 9 महीने पहले पूर्ण हुए मुकेश अंबानी के सपने, ऐतिहासिक ऊंचाई पर कंपनी के शेयर। सर्वदलीय बैठक में चीन के निवेश पर राष्ट्र नीति बनाने की मांग करेगी शिवसेना। टाटा पावर महाराष्ट्र में विकसित करेगी 100 मेगावाट की सौर परियोजना। बिग बाजार के पेरेंट कंपनी फ्यूचर ग्रुप में रिलायंस खरीद सकती है हिस्सेदारी। 19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी। रिलीज हुई वेब सीरीज आर्या, सुष्मिता सेन ने किया दमदार वापस। देश में कोरोना संक्रमित लोग अत्यंत बढ़ते ही जा रहे हैं। आज कुल 24 घंटे में 13,586 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 336 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक में कुल 3,80,532 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या अत्यंत डराने वाली है, अतः आप दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ड्रैगन के विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा साइबर हमला, चीन पर सबकी सोच। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल। भारत अगले साल अगस्त में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा। कांवड़ यात्रा पर भी पड़ सकता है कोरोना का असर, राज्य को गंगा जल भेजने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। AIMIM, आम आदमी पार्टी और RJD को नहीं मिली सर्वदलीय बैठक की निमंत्रण। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ऑक्सीजन सपोर्ट पर पॉजिटिव आई थी उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। चांदी की कीमतों में आई गिरावट, सोना हुआ और महंगा, वहीं शेयर मार्केट बढ़त के साथ हुआ बंद। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1979 में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के पद से दिया था इस्तीफा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।